हो गया लंच आपका अंजला? आपने क्या खाया? आपने तो प्लेट खाली कर दी है। क्या खाया था? फ्राइज खाए थे और साथ में ऑरेंज जूस। वाओ, फ्रेश ऑरेंज जूस। पिए जूस, पिए जूस, फिनिश करें। गुलाब खा रही है? कैसा? अच्छा बना है? फोक ले लेते ना। हाथ से खाने में मजा आता है। क्या? हाथ से खाने में मजा आता है। अच्छा, ये क्या है साथ में? ऑरेंज जूस आपका भी। वाओ, ऑरेंज का सीजन है और देखिए फ्रेश फ्रेश ऑरेंज का जूस मैंने इन्हें बना के दिया है, तो ये हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। बच्चों को लाजमी दिया करें। और लहराब कहाँ रह गई? फिनिश हो गया? वाओ, यमी था। लहराब बाबा ये इसको जूस देते हैं। लहराब आप लेट क्यों आए हो? लेट नहीं हो रही? जूस पे बताओ कैसा? यमी, फ्रेश जूस डेली पिया करो आप ऑरेंज का, ठीक है? चलो आप ये खा ले। इतना केचप ला रहे हैं, बहुत केचप लेती हो आप। अच्छा लगता है? नहीं बेटा, केचप इतना नहीं लेते। बच्चे लंच करके जा चुके हैं और यहाँ पे बन रही है जी मेरी और मेरे हस्बैंड के लिए ग्रीन टी, जो कि आजकल मैं बहुत ज़्यादा पी रही हूँ और ये वैसे बहुत ज़रूरी भी है। तो बस जी ग्रीन टी बन चुकी है और बिल्कुल रेडी है। इसका जो है चूल्हा ऑफ करते हैं और इसको डाल के लेके जाती हूँ। चलें जी, ग्रीन टी निकाल ली और आप सुनाएं आप लोगों की सर्दियां कैसे गुजर रही हैं। वैसे सर्दियां तो पूरे मुल्क में बहुत ही ज्यादा हो रही हैं। न्यू पौधे लग रहे हैं। हां जी जी, ये छोटे पॉट में है, ये पौधे बड़े पॉट में शिफ्ट कर रहे हैं। अच्छा, वाओ माशाल्लाह, फ्लावर प्यारे निकले। बहुत प्यारे फ्लावर हैं ये। देखें जैसे ये वाले फ्लावर, सारे सर्दियों के फ्लावर निकलना स्टार्ट हो चुके हैं। और आज धूप भी मजे की निकली है। ये चेक करें, न्यू और फ्लावर्स के वाले। वाओ, ये सारे लग रहे हैं अब। और ये चेक करें, वाओ ब्यूटीफुल, कितना प्यारा है। ये अभी निकल रहा है, ये उससे कलर चेंज, ये सारे डिफरेंट। और ये सारी अब आहिस्ता आहिस्ता निकलना स्टार्ट हो रही हैं। सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और कड़ाके की सर्दी हैं। आज इतने दिन बाद सूरज निकला है और माशाल्लाह से इतनी अच्छी धूप है ना। कैसे सर, आज धूप कैसे निकली है? आज 2023 के बाद आज पहला सूरज है, बहुत रोशन चमकदार। तो चलें जी, बाहर आज इतनी मजे की धूप थी ना, जैसा कि मैंने आपको दिखाया है, तो बस वो धूप देखने और थोड़ी देर, मतलब वो खुशी हो रही थी काफ़ी दिन के बाद सूरज निकला है, तो बस थोड़ा टाइम बाहर स्पेंड किया क्योंकि मेरे हस्बैंड फ्लावर्स वगैरह और पौधों को देख रहे थे। और उसके बाद अब मैं दोबारा से किचन में आ चुकी हूँ और किचन के काम तो चलते ही रहते हैं साथ साथ, तो बस साथ साथ थोड़ा थोड़ा सा करके जो जो चीज़ें होती हैं मेरे टारगेट में कि मैंने आज करनी है तो वो कर लेती हूँ मैं साथ में। अब यहाँ पे ये वाली जगह थी जहाँ पे मैंने पहले भी कई बार आप लोगों से शेयर किया है कि यहाँ पे छोटी छोटी थोड़ी सी डेकोरेशन की चीज़ें रखी हुई हैं, तो उनको मैं क्लीन कर रही हूँ और दोबारा से इनको वैसे ही सेट करके रख दूँगी। बस एक छोटा सा, एक मतलब जब मैं खाना बना रही हूँ तो एक कोना, एक चीज़ मतलब मैं डिसाइड कर लेती हूँ कि साथ साथ वो होती जाए जब तक खाना रेडी होता है। तो इसमें टिश्यू भी ख़त्म हुए थे मैंने देखा, तो अब मैंने दोबारा से इसके अंदर टिश्यू रख दिए कुछ थोड़े से, जो कि किचन में बहुत काम आते रहते हैं। अब आ चुकी हूँ जी मैं बाहर और ये वाली मैंने मंगवा के रखी हुई थी काफ़ी टाइम से और
इसको मैंने सेट करना था इसके कॉर्नर के लिए मंगवाई थी, लेकिन चेक करती हूँ कि मैं इसको कहाँ लगाती हूँ। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी कलरफुल सी है और इसे मैंने ऑनलाइन मंगवाया था। तो चलिए मैं इसको लगाती हूँ, फिर सेट करती हूँ, आपको दिखाती हूँ कैसे सेट करूँगी और शेयर करती हूँ कैसे लगाई। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर दिया करें। तो इस तरह इसको मैंने एक बकेट के अंदर लगा के सेट कर लिया और जो कि दिखने में खूबसूरत लग रही है। तो चलिए जी चेक करें मैंने इसे कहाँ लगा दिया यहाँ पे। पहले मेरा मूड था कि मैं इसे कॉर्नर में लगाऊं, लेकिन यहाँ पे लगा के चेक की तो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। तो आप लोग भी बताइएगा किस तरह लग रही है।